हेलो वैभव, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 444। आज की वीडियो में हम वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए अगस्त मंथ की रीडिंग करने वाले हैं कि अगस्त में वर्गोस की फाइनेंस और उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच में बैठती है तो आपकी राशि वर्गो बैठती है। और इसके अलावा अगर आप चंद्र राशि के हिसाब से भी आपको वर्गो यानी कि कन्या राशि मैच करती है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, जितनी आपके साथ मैच करे उतनी रखिए, बाकी जाने दीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्गो, ये रीडिंग अगस्त मंथ में आपके फाइनेंस और आपकी लव लाइफ को लेकर है। तो सबसे पहले हम आपके फाइनेंस चेक करेंगे, यानी कि आपके धन संबंधी मामले अगस्त में कैसे रहने वाले हैं। तो आपके फर्स्ट और सेकंड वीक की एनर्जी थोड़ी सी वीक आई है। हो सकता है आपके वर्क प्लेस में जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ पे आपकी किसी से बहस हो जाए, आपके कलीग से आपकी किसी मुद्दे पर असहमति हो, या आपके बॉस से भी आपका कोई वाद विवाद हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति को लेके, या आपको ऐसा लग रहा हो कि इस जॉब में आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। और यही कंडीशन आपके अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसमें भी है कि आप कोई डील साइन नहीं कर पा रहे हैं, या आपने आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए था तो वो आपका पैसा नहीं आ रहा है, आपका पैसा कहीं पे अटका हुआ है, या आपने किसी लोन के लिए अगर अप्लाई किया था तो आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस वहाँ से नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे मामलात आपके वर्क प्लेस में हो सकते हैं कि आप उसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगे। कुछ लोगों को रात को नींद भी ठीक से नहीं आएगी। तो वर्गो, टाइम एक सा नहीं रहता, एनर्जी चेंज होती है। आपके थर्ड वीक की एनर्जी काफ़ी अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग हीलिंग प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, जैसे कोई हेल्थ से जुड़ी हुई, कोई सेवा भाव जैसे कुछ काम होते हैं उनसे जुड़े हुए कुछ लोग हो सकते हैं, फैशन, म्यूज़िक, आर्ट, इससे जुड़े हुए कुछ लोग हो सकते हैं, या फिर आप अपने पैसों को इन जगहों पर इन्वेस्ट कर रहे हो या कर चुके हो जिसका आपको बेताबी से पॉजिटिव रिजल्ट का इंतज़ार है। द स्टार का कार्ड आया है तो आपके फाइनेंस जो हैं, जो अड़चने आपके पैसों में आ रही थी वो दूर होंगी, आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आपका बॉटम ऑफ द डेक भी काफ़ी पॉजिटिव है, आपके फाइनेंस के लिए रास्ते खुलेंगे। जो जिन प्रॉब्लम्स में आप थे उनसे आप थोड़ा सा बाहर आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को उनके पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में या कुछ पुश्तैनी संपत्ति में भी कुछ मिल सकता है, कुछ पैतृक, जैसे पैतृक संपत्ति से भी कुछ ना कुछ अमाउंट आ सकता है उनका, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर एक तरफ से पैसा आ रहा है तो दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने फ्यूचर के लिए, तो थोड़ा सा सोच समझ के करें। इन्वेस्टमेंट अच्छा है लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट आप ना करें। तो ये रीडिंग वर्गो आपके फाइनेंस को लेके थी, जो मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी सी टेंशन है लेकिन लास्ट में मुझे उसमें रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं कि आपकी अगस्त में लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो लव लाइफ के लिए आपके बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। आप में से जो लोग सिंगल हैं वो किसी न्यू लव को, किसी न्यू एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोग अपने से बहुत छोटे व्यक्ति से रिलेशनशिप में है, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। एक थोड़ा सा एज गैप मेरे को नज़र आ रहा है, जो लोग सिंगल हैं और किसी न्यू लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, काफ़ी पावर में रहने वाले हैं वो। टाइम बहुत अच्छा सा आपका बीतेगा, लेकिन थोड़ी सी इसमें मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि आप में से कुछ लोग, क्योंकि एनर्जी डिफर हो सकती है, आप में से कुछ लोग अपने पास्ट में किसी चीज़ को खो चुके हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा मुझे अफसोस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपका फोकस जो है आपके प्रेजेंट पे ना होके आपके पास्ट में है, तो उससे आपको बाहर आना होगा। क्योंकि एज ऑफ पेंटिकल की आगे एनर्जी है, आपके जो सामने है वर्गो वो बहुत अच्छा है, तो आपको अपने पास्ट से निकल के अपने प्रेजेंट में जीना आना चाहिए। आपका बॉटम ऑफ द डेक जो है वो भी टू ऑफ पेंटिकल का है, तो मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग थोड़ी कुछ चीज़ों को, कुछ रिलेशनशिप को लेके जगल कर रहे हैं, हाँ या ना की कंडीशन में भी हैं।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इस मंथ में रिलेशनशिप को लेकर बहुत पावर में रहने वाले हैं। जो लोग कमिटमेंट में हैं, जो लोग रिलेशन में हैं, उनके रिलेशन जो हैं वो काफ़ी अच्छे होंगे, एक कदम आगे जाएंगे। अगर आप न्यूली मैरिड है और फैमिली प्लान कर रहे थे तो उसमें भी आपको कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। और जो लोग सिंगल थे और ऐसा पार्टनर चाह रहे थे कि जो उनको स्टेबिलिटी दे, तो उनकी इच्छा भी पूरी हो सकती है इस मंथ में, लेकिन आपको पहल करनी पड़ेगी। बगो थोड़ा सा आपको आगे आना होगा, क्योंकि अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी आती है और उसमें कहीं कुछ नेगेटिविटी आ जाती है तो आप सारी पॉजिटिव एनर्जी को ख़राब कर देते हैं। तो फोर ऑफ कप की एनर्जी से आप बाहर आइए, तभी आप द मैजिशियन की एनर्जी में जा पाएंगे। तो ऑल ओवर आपकी जो लव लाइफ की रीडिंग है वो काफ़ी अच्छी आई है, आपके रिलेशनशिप जो है स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस मंथ में मुझे लगता है आप में से कुछ लोग किसी एंगेजमेंट में, किसी शादी में या किसी बेबी शावर में भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे आई है यहाँ पे। कोई छोटा सा कुछ सेलिब्रेशन टाइप का कह लीजिए, एक छोटी सी कोई गेट टुगेदर कह लीजिए, कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो वर्गो आपकी एनर्जी जो है काफ़ी अच्छी आई है। स्टार्टिंग में आपके फाइनेंस को थोड़ा सा वीक है आपके फाइनेंस, बाद में स्टेबिलिटी है आपके फाइनेंस में और आपकी लव लाइफ भी अगस्त के मंथ में बहुत अच्छी रहने वाली है। तो ये थी आपकी अगस्त मंथ की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।